Welcome to Mind EduTech. This is a continued class in which we are going to continue to discuss about a type of Quora which is called Mount Kailash Quora. Mount Kailash, जो कि एक होली माउंटेन माना जाता है. होली माउंटेन मतलब सैक्रेड माउंटेन. तीन चार धर्म के बारे में मैंने बताया था. तो उस जगह पे जो और कोरा के बारे में बेसिक चीज ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि किसी जगह का पवित्र स्थल का सर्कम एम्बुलेशन मतलब परिक्रमा करना. कोरा में परिक्रमा करना मस्त होता है. चैंटिंग मंत्रास. तो ये जो माउंट कैलाश का जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से पैदल बाय फुट पिलग्रिम्स तीर्थयात्री पैदल जहां से यात्रा के लिए निकलते हैं, सरकम एम्बुलेंस के लिए निकलते हैं माउंट कैलाश का, उस जगह उस सिटी का नाम है दार्चेन. ये वर्ड आए थे. यहाँ विलेज लिखा है, विलेज बोल सकते हैं बिल्कुल. ऐसे जगह पर है, सिटी नहीं बोला जा सकता, ज्यादा सुटेबल नहीं है ना. विलेज नेम दार्चेन, ठीक है. और अब दार्चेन वर्ड सभी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट लिखेंगे अपने आंसर में, अगर इससे रिलेटेड कोई आंसर आया तो, जिसमें दार्चेन जगह का नाम लिखने का जरूरत हो. पर उसके साथ अगर तुम उसका तिब्बतन नेम भी याद रख पाओ कि दार्चेन को तिब्बतन नाम जो था उसका वो था कांगसा विलेज. कांगसा विलेज अगर ये याद रख पाओ तुम तो अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा. तो दार्चेन नाम का जगह वो जगह है जहां से ये यात्रा, ये पिलग्रिमेज, ये कोरा माउंट कैलाश कोरा शुरू होती है. वहां पर रूप शुरू होता है दार्चेन नाम के. दार्चेन इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सैक्रेड माउंटेन माउंट कैलाश. मैंने आपको पिक भी दिखाया था, एक तरफ माउंट कैलाश और उसी के ठीक सामने है ये दार्चेन नाम का विलेज. और दार्चेन जो विलेज है उसका एल्टीट्यूड यहां बताया गया. Altitude is 4,575 meters. ये altitude ना तुमको textbook में भी पढ़ने को मिल जाएगा. Textbook में भी altitude दिया रहेगा. 4,575 meters की ऊंचाई पर, altitude पर दार्चेन नाम का शहर बसा हुआ था. और वहीं से वॉकिंग रूट शुरू होता था सरकम एम्बुलेंस का, परिक्रमा करने का वॉकिंग रूट शुरू होता था माउंट कैलाश के कोरा में. अराउंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सैक्रेड
माउंटेन्स, माउंट कैलाश। तो वहां से वहां के लिए यात्रा किस विलेज से शुरू होता था वो याद रखना, विलेज का तिब्बतन नाम दिए हैं वो भी याद रखना। उसके बाद बताया है कि ये तो दार्चिन नाम के जगह के बारे में ब्रैकेट में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई गई, स्टार्टिंग पॉइंट है इमेजेस के लिए। एंड वाइंड्स अलोंग द बेस ऑफ द कैलाश ओवर वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस इन द रीजन एंड डाउन थ्रू स्लोपिंग वैली टू द इन। बताया जा रहा है कि दार्चिन नाम का शहर से जब शुरू होता है यात्रा, पैदल यात्रा, तो ये वर्ड देख रहे हो, ये वर्ड का सेम स्पेलिंग ये तेज हवाओं के लिए भी यूज करते हैं, विंड्स पढ़ते हैं, विंड्स। उसके जगह यहां पे वो विंड्स नहीं है, यहां है वाइंड्स, और वाइंड्स का मतलब मेरे ब्रैकेट में आसानी से लिख गए, वो वर्ड लगा के पढ़ लो, गोज मतलब वहां से दार्चिन से शुरू होकर के वो रास्ता कैसे कैसे जगह से गुजरता था वो बताया। अलोंग द बेस ऑफ द कैलाश, कैलाश पर्वत के बेस पर वो रास्ता कैसे कैसे गया है, वाइंड किया है, और उस रास्ते में दुनिया के हाईएस्ट पासेस वाले रीजन्स आते हैं। पासेस समझते हो, एक और वर्ड है वैली, पासेस और वैली वर्ड जो है ये एक जैसा तो नहीं कह सकते, ठीक है। पासेस वर्ड का मतलब होता है जनरली इस स्टोरी के लिए लेंगे कि बहुत ही संकरा जगह, मतलब संकरा मतलब बहुत ही नैरो प्लेसेस, नैरो जगह जहां से आपको पार होके जाना पड़े, बहुत नैरो नैरो जगह, ऐसे नैरो जगह को यहां पर पासेस बोला है, और वो हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचे ऊंचे एल्टीट्यूड पे रहे, और उसी रास्ते में जो रास्ता कैलाश को सरकम एम्बुलेंस एम्बुलेशन करते वक्त जो रास्ता यूज होता है उसमें वर्ल्ड के हाईएस्ट पासेस तो होते ही हैं, साथ में स्लोपिंग वैलीज भी होती है। वैलीज, ये वैली वर्ड जो है ये कॉमन वर्ड, घाटी, घाटी प्रदेश, घाटी हम लोग बोलते हैं रोड वेज से जब हम लोग ट्रैवल करते हैं बाय रोड, तो देखोगे कि सबको ही देखा, सबको ही जानता होगा कि बहुत सारी घाटियां आती हैं रोड से जाते वक्त। तो घाटी में क्या होता है कि रोड बहुत ज्यादा टर्निंग होता है, कंसिस्टेंट स्ट्रेट मतलब कॉमन नहीं, टर्निंग्स रहते हैं, बहुत शार्प टर्निंग्स रहते हैं, शार्प टर्निंग्स। तो ये जो पूरा रास्ता है कैलाश के चारों तरफ कोरा करने के लिए जो घूमते हैं जो पिलग्रिम्स, उस रास्ते, वो रास्ते के बारे में ना ये दोनों बातें बता करके ये बताना चाह रहा है कि
इट इज नॉट ईजी टू डू द कैलाश कोरा, इट इज नॉट एट ऑल ईजी, वन ऑफ द टफेस्ट पिलग्रिमेज, अमंग वन ऑफ द टफेस्ट पिलग्रिमेज ये माउंट कैलाश का कोरा है। ये दोनों यही बताने के लिए किया गया कि वहां बहुत सकरा सकरा जगह भी है जहां से गुजरना मुश्किल है, बहुत स्लोपिंग वैली है, मतलब एकदम समझो 90 डिग्री का ढलान पे जा रहे हैं, कभी चढ़ना पड़ रहा है, कभी एकदम मुड़ना वर्टिकल मुड़ना पड़ जा रहा है, ऐसे जगह ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ता है उस जगह पे जाते जाने के लिए बाय फूट। ठीक है, पूरा जगह को का परिक्रमा करते वक्त ऐसे ऐसे रोड से ऐसे ऐसे जगहों से आपको गुजरना पड़ता है। देयरफॉर इट इज वन ऑफ द टफेस्ट पिलग्रिमेज। तो और उसके अलावा लिखता है ये रूट जो है चारों तरफ घूमने वाला रूट, ये 3 दिन ले लेता है अगर आप बाय फुट हैं और हॉर्सबैक। हॉर्सबैक मतलब तो समझ गया होगा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो परिक्रमा करने की जिनमें इच्छा तो है आस्था भी है पर शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं है और उनका मन है पूरा करने का शुद्ध मन से, पर शारीरिक रूप से मान लो सक्षम नहीं है तो कैसे करें। एक्सेप्शन केसेस, जो नॉर्मल लोग हैं वो तो पैदल चलेंगे, मगर जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं या किसी भी तरीके से कोई गंभीर रोगी है या कुछ भी है, अगर वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो फिर ऐसे लोग जो हैं वो बाय फुट तो जा नहीं सकते, तो वैसे लोग जो हैं वो हॉर्सबैक पे जाते हैं और 3 दिन लगता है उस पूरे माउंट कैलाश को का पूरा चक्कर लगाने। एंड स्टॉप्स आर मेड ओवरनाइट एट द मोनेस्ट्रीज अराउंड द रूट, जैसे रात में रुकने के लिए जगह जगह पर मोनेस्ट्रीज बने होते हैं। ये वर्ड इसका मतलब मैंने हिंदी में लिखा है मठ। हमारे यहां का वर्ड तो एग्जैक्टली नहीं है, बुद्धिज्म धर्म में मठ वर्ड यूज किया जाता है, मोनास्ट्रीज वर्ड यूज किया जाता है। हमारे यहां मतलब इन जनरल हम लोग मोनास्ट्रीज को जानते हो क्या बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में हम लोग उसको धर्मशाला बोलते हैं। धर्मशाला को समझता हो सकता है, तो हम लोग जिसको बोलचाल की भाषा में धर्मशाला बोलते हैं उसी को यहां तिब्बतन कल्चर के अनुसार मोनास्ट्रीज बोला है। जो काम वहां होता है वही काम यहां होता है। तो जब ये लोग इन रूट्स पर चलते हैं तो इनको बीच बीच में रुकना भी होता है, नॉन स्टॉप नहीं है, रुकना भी होता है, रुकने की जरूरत। 3 दिन जब बोल रहा है तो नाइट में नहीं ना चलेंगे एक सर्टेन समय में, तो रुकना होता है। और रुकते किस
जगह पर है ये याद रखने वाला चीज है। वर्ड अच्छा है आपको, बाकी स्टूडेंट्स के आंसर से ये वर्ड अलग कर सकता है, मोनास्ट्रीज अगर तुम्हें याद हो। कोरा करने जाने जाते हैं जो लोग, 3 दिन लगता है पूरा सरकम एंगुलेशन करने में, तो 3 दिनों में रातें गुजारते जो हैं ये लोग, ये मोनास्ट्रीज में रातें गुजारते हैं जो रूट नहीं होता है धर्मशाला जैसे। एक तो मोनास्ट्री का भी पिक था मेरे पास, तो मैं आपको दिखा पाऊं मोनास्ट्रीज बड़े मतलब मोनास्ट्री हम लोग जो है धर्मशाला अगर नाम जो हम लोग लेते हैं तो हमारे मन में जो एक इमेज बनता है वो बहुत मतलब अनहाइजीनिक जगह का ये आता है। लेकिन ये देखो ऐसे मोनास्ट्रीज है, ये वन ऑफ द मोनास्ट्रीज है, ऐसे मोनेस्ट्रीज बने होते हैं रूट में यात्रियों के रुकने के लिए, ऐसे मोनेस्ट्रीज बनाए जाते हैं। ये मोनेस्ट्री रहा, और भी सुंदर सुंदर मोनेस्ट्रीज बनाए जाते हैं रुकने के लिए रात में पिलग्रिम्स के लिए। चलो मोनास्ट्रीज तुम एक एक देख लिया कि मोनास्ट्रीज जो है हमारे यहाँ हमारे धर्म में जिस तरह से रहता है ना, हम लोग मैं अगर पार्टिकुलर हिंदू धर्म की बात करूं तो हम लोग का जो धर्म स्थल होता है ना, हम लोग के जो होली प्लेसेस हैं उन होली प्लेसेस में बाकी धर्म के होली प्लेसेस के कंपैरिजन में साफ सफाई बहुत कम रहता है। ये तो ऐसे भी इंडियंस जो हैं वो अनहाइजीनिक चीजों के लिए फेमस है, तो हमारे यहाँ अगर मतलब कुछ अगर एक्सेप्शंस को छोड़ दें, कुछ धर्मशाला ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे कंडीशन के और बहुत अच्छे सर्विस, बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पर मोनास्ट्रीज जो होती हैं तिब्बतन तिब्बत लोगों के यहाँ तिब्बत में ना, वो बहुत साफ सुथरा जगह होता है, घर से भी ज्यादा साफ रखते हैं, तो उन मोनास्ट्रीज में रात बिताते हैं जाने वाले जो सरकम एंगुलेशन कर रहे हैं वो लोग। अब एक जानकारी मैं आपको यहां इस सरकम एंगुलेंस के बारे में और दे दूं कि एक पिक के थ्रू मैं दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो माउंट कैलाश का परिक्रमा करने वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो चैप्टर में पैदल यात्रा के बारे में कुछ बताएगा नहीं। जैसे अभी नोट्स में लिखे हुए थे ना कि दाचेन नाम का जो जगह है तिब्बत में वो स्टार्टिंग पॉइंट है पैदल यात्रियों के लिए परिक्रमा शुरू करने का, दाचेन नाम का जगह। और अनफॉर्चुनेटली
हम लोग का जो चैप्टर है उसमें ऑथर नरेटर निक मिडिल्टन और दार्चिन तक जाने का ही उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। मतलब हमारा चैप्टर वहीं तक उसी पार्ट तक उठाया गया है जहां वो दार्चिन पहुंच जाते हैं। उसके आगे फिर मतलब कि चैप्टर में नहीं है, क्यों नहीं है ये मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ये चैप्टर कोई कंप्लीट चैप्टर नहीं है, बल्कि एक किताब से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा है। किताब से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये जो दार्चिन जगह है जहां से शुरू होता है पैदल यात्रा चारों मतलब परिक्रमा इसका माउंट कैलाश का, ये याद रखना कि चार मैंने आपको रिलीजन बताए थे कि वो चार रिलीजन जो है वो लोग माउंट कैलाश के कोरा पे जाते हैं और भी जो कोरा है वो उस पे जाते हैं, लेकिन उसमें से ये देखो एक पिक्चर ये है मेरे पास, ये लोग दिख रहे हो रास्ता में जा रहे हैं, a huge crowd following the path, ये एक पिक है माउंट कैलाश कोरा करते हुए लोगों का एक पिक है, ऐसे रास्ता रहता है रिफाइन किया हुआ और उसी रास्ते पे ये लोग परिक्रमा करते हैं, चलते हैं और हॉर्सेस के बारे में लिखा था कि लोग अनेबल होते हैं उस तरह से। तो ये एक पिक है माउंट कैलाश कोरा का, ऐसे करके लोग रोड पे चलते रहते हैं, है ना, मतलब रोड पे ये रोड नहीं है ये पहाड़ है माउंट कैलाश ही। और मैं आपको माउंट कैलाश का जो रूट है पिलग्रिम रूट वो दिखाना चाहता हूं। ये देखो ये इसमें ये देखो ये है माउंट कैलाश, माउंट कैलाश ठीक है वहां पे था। अब ये जो तुम लोग यहां पे दो कलर के लाइंस दिख रहे हैं है ना ब्लू एंड रेड, तो यहां ना लिखा भी हुआ है ब्लू और रेड क्या है। ये जो ब्लू कलर का जो लाइन है देखो ऐसे ऐसे गया यहां गया यहां गया उधर से गया इधर से, देखो माउंट कैलाश का चक्कर लगाया ऐसे करके, ये देखो ब्लू लाइन फिर ऐसे करके ये पूरा चक्कर। और ये जो रेड लाइन है जो बहुत जगह साथ चलता है कहीं कहीं डिफर कर रहा है, जैसे देखो इधर पूरा साथ चल रहा है यहां डिफर कर जा रहा है, ये ब्लू लाइन ऐसे करके आ रहा है और रेड लाइन यहीं से चल जा रहा है। और जैसे रेड लाइन में तुम यहां भी देखो एक रेड और ब्लू लाइन वहां से भी जा रहे हैं और यहां से भी ये दार्चिन जगह जो मैंने कहा जहां से पैदल यात्रा शुरू होता है दार्चिन जगह ही है माउंट कैलाश ही है। और ये रेड लाइन जो है ना ये रेड और ब्लू लाइंस जो है ये इनको आसान तरीके से मैं आपको बताऊं तो रेड वाला लाइन इनर रूट है और ब्लू वाला लाइन आउटर रूट है कैलाश के कोरा का, दोनों कोरा का ही रूट है, एक
इनर रूट एक आउटर रूट। तो जो ब्लू वाला जो दिख रहा है ये आउटर रूट है और जो रेड वाला दिख रहा है ये इनर रूट है। देखो तुम रेड वाला में कहीं कहीं डंडी मारा हुआ है नजदीक से खत्म किया है यहाँ पे कहीं से हुआ। अब एक और चीज में आपके बढ़ा दू जानकारी इसमें कि ये जो रास्ता देख रहे हो तुम रूट जो पैदल चलना पड़ता है ये इस रूट का जो लेंथ है वो 52 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली है। ये पूरा लेंथ यहां से ऐसे गए पूरा चक्कर लगाया। तो जो सर्कम एंगुलेशन ऑफ माउंट कैलाश है उसका रूट का लेंथ है 52 किलोमीटर्स और इन 52 किलोमीटर्स में बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले जगह से गुजरना पड़ता है पिलग्रिम्स तीर्थयात्रियों। और यही हमारे चैप्टर का थीम है। हमारे चैप्टर में जो नरेटर है निक मिडिल्टन वो भी कोरा की यात्रा पे निकलते हैं बट दार्चेन के बाद जो पैदल यात्रा होता है ना शुरू उस यात्रा का पार्ट नहीं दिया गया है हमें पढ़ने के लिए। हमें दार्चेन तक पहुंचने का पार्ट सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया जहां एक जगह से दार्चेन तक पहुंचते हैं हमारे नरेटर निक मिडिल्टन। इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।